एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अपने पुराने टीम मुंबई इंडियंस के लिए वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या ने आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक रोहित शर्मा के 10 साल के शासन को समाप्त करते हुए मुंबई इंडियंस की बागडोर संभाल ली है। यानी उन्हें अब मुंबई ने अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। 2013 और 2020 के बीच रोहित के लीडरशिप में एमआई ने 5 खिताब जीते, लेकिन 2022 और 2023 में डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स के बाद अंततः उनके कप्तानी छीन ली गई। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या ने अपने शानदार कैप्टेंसी स्किल से 2022 में गुजरात टाइटंस को आईपीएल खिताब जिताया था। हार्दिक को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाने वाले महिषा जयवर्धने ने कहा, मुंबई इंडियंस को हमेशा सचिन से लेकर हरभजन और रिकी से रोहित तक असाधारण कैप्टेंसी करने वाले खिलाड़ियों का आशीर्वाद मिला है जिन्होंने इमीडिएट सक्सेस में योगदान दिया है। इसी क्रम में हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालेंगे। इसी के साथ श्रीलंका के पूर्व कैप्टन जयवर्धने की घोषणा से फ्रेंचाइजी में हार्दिक की भूमिका को लेकर सभी अटकलें समाप्त हो चुकी हैं। जीटी को आईपीएल खिताब दिलाने और फिर उपविजेता बनाने के बाद हार्दिक से बड़ी भूमिका की उम्मीद की जा रही थी, हालांकि कितना बड़ा है इसका उत्तर अब दे दिया गया है। जयवर्धने ने आगे कहा, हम रोहित शर्मा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टेंसी के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। 2013 से मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उनका कार्यकाल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है। उनकी कैप्टेंसी ने न केवल टीम को अद्वितीय सफलता दिलाई है बल्कि एक टीम के रूप में उनकी जगह भी मजबूत की। ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।